सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी ऑन फ्लीक। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन एप्पल एयरपोड्स प्रो। एंड फ्रॉम लास्ट 3 डेज आई हैव टेकन दिस फॉर द रिव्यू एंड मुझे सच में ये यूज करने में बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो ही बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स की बात करते हैं, जो इसके अपर साइड है उस पर हमारे एयरपोर्ट्स की लुक गिवन है कि ये दिखने में कैसे होंगे, यू कैन से इट। एंड उसके बाद जो इसके अपर साइड है इस पर मेंशन है एयरपोर्ट्स प्रो वायरलेस चार्जिंग। इसके अलावा जो इसके राइट और लेफ्ट साइड है उस पर एप्पल का लोगो इज गिवन हियर। और जो इसके नीचे वाली साइड है उस पर इसके कंपैटिबिलिटी मेंशन है कि एयरपोर्ट में जो भी कंपैटिबिलिटीज है। एंड फाइनली इसके डाउन साइड पे, एयरपोर्ट्स के डाउन साइड पे इसकी लुक गिवन है कि हाउ इज द लुक ऑफ द एयरपोर्ट। सो लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले इसमें एक डॉक्यूमेंट्री डायरी गिवन है जिसमें मेंशन है डिजाइन बाय एप्पल इन द कैलिफोर्निया। और इसके अंदर कुछ पेपर्स है जिसपे लिखा है एयरपोर्ट्स प्रो एंड जो भी इसकी डॉक्यूमेंट्री है। उसके बाद फाइनली वी आर हैविंग दिस एयरपोर्ट्स प्रो, जिसके बारे में आगे अभी डिटेल्स में शेयर करते हैं। देन दिस डाटा केबल, दिस डाटा केबल इज अ सी टाइप डाटा केबल। सो दीज आर सम एयर टिप्स, यू कैन सी, लेट मी शो यू। दीज आर द एयर टिप्स जो डिफरेंट डिफरेंट साइज की है, ताकि आप अपने एयर्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सको। जो मीडियम साइज की एयर टिप्स होंगी वो आपके एयरपोर्ट्स के अंदर गिवन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द आउटलुक ऑफ दिस एयरपोर्ट। आप इसके आउटलुक देख सकते हैं, आप जो पहले एयरपोर्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग इसकी लुक काफी ही चेंज हो चुकी है, थोड़े वाइड है। और वैसे भी अगर स्मॉल साइज में इसको देख सकते हो आप, पहले से स्मॉल है। जो पहले एयरपोर्ट थे उसका साइज थोड़ा बड़ा था, इनका साइज थोड़ा छोटा है। उसके बाद अगर हम इसके आउटलुक की बात करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्रंट पे इसकी एक लाइटनिंग पोर्ट गिवन है, ये लाइटनिंग पोर्ट है इसका। उसके बाद बैक साइड पे इसके सेटअप बटन है जिसके ऊपर इट इज रिटन दैट डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन द चाइना, यू कैन सी इट इज रिटन हेयर। उसके बाद सेटअप बटन है जिसको आप कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। एंड लास्ट में नीचे की साइड पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट गिवन है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं, तब यहाँ पे चार्जिंग लाइट शो होगी कि एयरपोर्ट्स की चार्जिंग कितनी है। ये इजिली हम इसको ओपन और क्लोज कर पा रहे हैं। चलो इसको निकालते हैं और इसको चेक करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम इन एयरपोर्ट्स को देखें, तो पहले एयरपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका साइज पहले से बहुत ज़्यादा स्मॉल है और ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। और जो मैंने आपको बोला था कि एयर टिप्स जो है ये मीडियम साइज के इसमें लगे हुए हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द सेंसर यूज इन दिस। तो सबसे पहले इसमें जो माइक्रोफोन्स यूज हुए हैं, आप देख सकते हो ये आगे की तरफ बेंड हुए हैं, तो ये इनवर्ड फेसिंग माइक्रोफोन्स है जो इसमें हमारे यूज हुए। उसके अलावा इसमें ड्यूल फोर्स सेंसर और ड्यूल ऑप्टिकल सेंसर है जो हमारे यूज हुए। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज इन दिस एयरपोर्ट। सो गाइस, कंपनी इज प्रोवाइडिंग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विच इज वेरी गुड एंड विच मेक्स योर म्यूजिक क्वालिटी मच बेटर। इसके अलावा इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंसी मोड गिवन है इसमें ऑडियो टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ इसमें अडेप्टिव इक्वलाइजर्स का यूज है एंड डायनेमिक रेंज स्पीकर्स का यूज। सो गाइस, कंपनी इज प्रोवाइडिंग IPX4 सर्टिफिकेशन विच मेक्स इट वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट। उसके अलावा अगर हम इसके वेट की बात करते हैं, तो ईच एयरबर्ड इज हैविंग वेट ऑफ 5.6 ग्राम। और अगर हम इसके केस की बात करते हैं, तो केस इज हैविंग द वेट ऑफ 45.6 ग्राम। उसके अलावा जो इसमें ब्लूटूथ वर्जन यूज हो रहा है वो BT 5.0 ब्लूटूथ वर्जन है जो इसमें यूज हो रहा है। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैटरी। सो गाइज, यू कैन यूज इट्स बैटरी अप टू 4.5 आवर्स ऑफ लिसनिंग विद अ सिंगल चार्ज। एंड अगर आप टॉक टाइम की बात करें, तो यू कैन यूज अप टू 4 आवर्स विद अ सिंगल चार्ज। अगर आप इसको 5 मिनट्स तक चार्ज करते हो, तो आप इसको 1 आवर तक यूज कर सकते हो।
चाहे आप इसमें टॉक टाइम की बात करो, चाहे आप म्यूजिक सुनने की बात करो, तो मतलब 5 मिनट से आज गिव यू 1 आवर लिसनिंग और टॉक टाइम। सो गाइस, इसके कंट्रोल्स के बारे में बात करने से पहले हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। इसको हम कैसे अपने फोन से कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करना होगा। उसके बाद आप इसके एयरपोर्ट्स के बैक साइड पे जो आपका सेटअप बटन गिवन है उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे लाइक दिस। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप अपने ब्लूटूथ में सर्च करोगे एयरपोर्ट्स प्रो, आपके पास लिखे आएंगे, उस पर आप टच करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। यस, देन नाउ इट इज कनेक्टेड। उसके बाद हम इसके कंट्रोल चेक करने के लिए इसको लगा लेते हैं। सो गाइस, लेट्स गो आउटसाइड एंड चेक द साउंड क्वालिटी ऑफ दीज एयरबड्स की बाहर इतने नॉइस में कैसा साउंड क्वालिटी एयरबड्स हमें प्रोवाइड करता है। सो लेट्स गो। As you all can see, if I am running, the AirPods are comfortable while running also. So guys, let's talk about the controls of this AirPods. So if you press once, you can answer your call, you can end your call, and you can play music and pause your music. And press twice like this to skip forward, and press thrice like this to skip backward. So guys, press and hold like this for active noise cancellation and transparency mode. If you say Hey Siri, तो आपका फोन रिस्पॉन्ड करेगा एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपना म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आप अपना कॉल मिला सकते हैं, या फिर आप किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सब कुछ मुझे अच्छा लगा, जैसे कि इसकी साउंड क्वालिटी, और इसके अलावा जो इसके इजिली एयरफिट रबर्स है जो इसमें स्टिप्स पे यूज हुए हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जो लास्ट हमारे एयरपोर्ट्स थे उसमें वो यूज नहीं हुए थे जिसकी वजह से उसके गिरने के चांसेस ज्यादा थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको इजिली लगाए हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप गिर जाएगा। एक चीज है जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, वो है इसका प्राइस, दैट इज 24,900, बट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सो मेनी फीचर्स, दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग, बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सो द रेट ऑफ द एयरपोर्ट इज 24,900, बट फ्लिपकार्ट पे आज की डेट में ऑफ चल रहा है एंड आपको ये एयरपोर्ट पड़ेंगे 20,000 ओनली। तो अगर आपको लेना है तो आप उनकी साइट से जाके ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने ये 25,000 के एयरपोर्ट्स खरीदे तो यू शुड मस्ट बाय दिस केस कवर, और आप कोई भी डिजाइन का मार्केट से जाके ले सकते हैं। इट इज ओनली ऑफ 300 to 400। उसके अलावा इसमें कि हार्नेस गिवन है जो आप अपनी जीन्स की जो लूप होती है उसमें इजीली इसको हुक कर सकते हो, तो जिससे की वजह से आपको ये गिरेगा नहीं और ये प्रोटेक्ट रहेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।